क्या हाल चाल है यार। होप यू गाइस ऑल आर फाइन। तो सीन्स कुछ ऐसे ना कि आज मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ आफ्टर 10 डेज के बाद, वो भी अपने नए वाले मकान पे। मतलब कि ये वाले जो मैंने घर का ना उद्घाटन मैंने कर दिया था, मतलब जो बोलते हैं मटकी रखना, तो प्रोसेस हमने लापाचम के दिन कर दिया था। और लापाचम था लगभग 19 तारीख एंड 20 तारीख को मैं सुबह यहाँ से फुर हो गया था। छठे दिन मैं यहाँ से चला गया था मोरबी के लिए 10 दिन बाद। आज मैं आया हूँ, मतलब कल शाम को आया था। आज तारीख है 1 दिसंबर, समझ रहे हो। आया हूँ नए घर पर, ब्लॉग करो, काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। और यहाँ से ना मतलब क्या सनराइज़ आ रही है, आप लोग को दिख ही रहा होगा आँखों में। और अभी सुबह सुबह ना मैंने एक नया चीज़ देखा है कि अभी मैं चाय नहीं पीता हूँ। मतलब पहले चाय पीता था, फिर दूध पीने लगा, फिर वापस चाय पी रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ा नया ऐड किया है, मैं सोचा हूँ कि कुछ अलग करते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि चाय पत्ती, चीनी और अदरक और गर्म पानी का सेवन बना के एक चाय बनाओ, उसका टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, सुंदर। फिर जाना अपने भाई लोग से मिलने 10 दिनों के बाद। कल सबसे बात हुआ फ़ोन पे, तो बोले भाई आ जाए यार, बहुत दिनों के मिले नहीं हैं, लगे यार। और दिल्ली से भी मिलने का, अमित से भी मिलने का, अरुण अभी गांव में है तो यार कुछ काम है, तो वो गाँव में भी अपना काम को निपटा रहा है, तो वो आएगा तो उसको भी हम दे देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे चाय पीता हूँ विदाउट दूध वाली, फिर यहाँ से चलते हैं फटाफट, देन फिर मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है, और दिखाता हूँ मैं। और हाँ गाइस, एक और चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे नए मकान का वीडियो देखना चाहते हो, होम टूर देखना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन बता देना कि आप लोग देखना चाहते हो। वैसे मैंने एक इंस्टाग्राम पे कल रात को पोल डाला था कि किन किन लोगों को इंटरेस्ट है मेरे नए मकान का वीडियो देखने के लिए, होम टूर देखने के लिए। वैसे मेरे पुराने घर को तो 2-3 वीडियोस में मैं वैसे दिखा ही चुका हूँ अंदर का सीन पूरा, लेकिन अगर आपको नए मकान का होम टूर चाहिए तो ज़रूर बता देना, ठीक है। तो अभी मैं पहले ये विदाउट दूध वाली चाय को पीता हूँ, देन फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ ना, मिलता हूँ तो थोड़ी देर में। ये दाल वाला एक का ऐसा है ना कि अभी भगवान जी के दर्शन कर लिए अपने पुरानी वाली सोसाइटी में आके। तो फिलहाल मैं अपने मंदिर पे हूँ, पीछे हनुमान जी का मंदिर है। और काफ़ी बार वीडियोस में आप लोगों ने देखा है यहाँ का सीन, और ये हमारे यहाँ का पार्किंग एरिया है पूरा। और अमित का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा भूख लगी तो याद आ रही थी बकरलाल जी की इडली, बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ पर, समझ रहे हो। कर्णावती हमारे सोसाइटी वाले हो ना छोकरे, तो सब लोग को क्या मज़ा एकदम अलग लेवल का आता है। तो अभी अमित आएगा, मैं दिल्ली और अमित तीनों जाएंगे यहाँ से इडली खाने, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। तो वह सीन कुछ ऐसे ना कि अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा पता चला कि जिस लाइन में मैं रहता था उसमें 2 लोग हैं ना शायद कोरोना पॉजिटिव मेरे लाइन के, तो वो लास्ट वाला और एक आगे वाला, हाँ, तो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। 14 दिन बीत भी गए ना शायद, 14 दिन बीत भी गए, अभी बस फटाफट वो लोग ठीक हो जाए। नाम नहीं बताऊंगा वीडियो में, ऐसे ऑलमोस्ट हमारे सोसाइटी वालों को तो सबको मालूम ही है, बताने की ज़रूरत थी लेकिन। और अभी अमित का वेट कर रहे हैं, जाना है इडली खाने, और मुझे घर पर भी अभी जाना है। तो मैं जब यहाँ शिफ्ट हो रहा था ना, तो मैं इसके घर से मतलब वो हैंड्रिल मशीन और सब चीज़ लेके आते, तो अभी इसको देना ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं अपने सोसाइटी में, काफ़ी शांत है, कोई है ही नहीं अभी, मतलब यहाँ पर सब बाहर भाग गए, मतलब आकाश भी नहीं है, सहजाद मियाँ भी नहीं है अभी यहाँ पे, अरुण तो गांव है, अमित तो ऑफिस में है, खाली यही एक बंदा है अकेला, यही है। मैं बेचारा 10 दिन के बाद है और अभी ये बेचारा मिल रहा है, चलते अभी गाड़ी के पास में देखता हूँ। अपने यहाँ पे पैसा तो है सोसाइटी में, नहीं सबके पास 4 पहिया तो है ही, दो एक के बाद दो तो हाँ, मतलब एक फैमिली
मेंबर के पास पे भी दो दो कार हैं, अलग ही लेवल मशीन है। अरे अपने दो ही बंदे नवरे बाजार में मिले, ले लेंगे वो भी जल्दी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग ने नवरात्रि वाला व्लॉग देखा हो तो अभी तक इसको यहीं पे रखा है, हमारा जो सोसाइटी का ऑफिस है ना वहाँ पे रखा जाएगा। हेलोजन, हाँ यार कुछ उतारा ही नहीं है मतलब अभी तो, ये भी ऐसे लटके पड़े हुए, इसको भी उतारवाना पड़ेगा लगता है। आकाश को शिकायत करनी पड़ेगी, आकाश भी हो रहा देख, मैं जूम करता हूँ। तो अभी सोसाइटी से बाहर जा रहे हैं, अमित बोल रहा है कि वो सुगंध मंगलो पहुँच गया है। ना मेरा तोड़ना नहीं, एक मैं इडली मत तोड़ना, मत तोड़ना ऐसा बोल दिया हूँ। दो इडली वाला कौन सा है? दो इडली वाला ही हो, समझ में नहीं आ रहा है। ये इसका है, बड़ा इसका है, इडली मेरा है। सांभर किधर को है? चटनी छूट गई नहीं इडली पर। फाइनली जहाँ से हमने वीडियो को स्टार्ट किया था वहीं से मैं एंड कर रहा हूँ, और आज दो दिन के बाद वीडियो का एंड कर रहा हूँ। मैं भूल ही गया था क्योंकि कल मैं चला गया था चोटीला, गया था आप लोगों ने चोटीला व्लॉग वाला व्लॉग, अब इसके बाद व्लॉग देखोगे आप लोग। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, होपफुली अगर आप लोग को पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया आप सब्सक्राइब करवा दो, हम लोग 1K के बहुत ज़्यादा करीब है, तो फटाफट यार 1K करवा दो तो खुशी अंदर वाली आ जाए और हम कॉन्फिडेंस हो जाएंगे ब्लॉग करने में, और वीडियो को दबा के शेयर कर देना दबा के। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।